Hey everyone, in this video I am going to show you how email verification works in backend part. Okay, so further going on coding part, first of all I will try to understand the flow of the process. Suppose if you go to amazon.com website and there you sign up, then there is option some come up like verify your email, verify your mobile number. Okay, so let's try to understand verify your email part. So when you enter your email, okay, and after that when you click on verify your email, then one API request is made by the user. API request on backend like server part, one token is generated. Okay, and after that from server part, like one by the use of some API also, one mail is sent to your mailbox like email. Okay, in your email, so email contain what? Some links, some text like a sign up, welcome to sign up, like something, and there is one link. Okay, in link part there is two things, like one is URL and second one is token. Okay, so like when you click on a link of a mailbox, then what happens? It redirects you into a browser. Suppose link, after clicking on link, it's redirect into, suppose in this browser, like this is, this was suppose मान लो कि ये link था, ठीक है, इस पर क्लिक किए थे, मेरे ब्राउजर में भेज दिया, क्या हुआ? देखो यहाँ पे कुछ राउटिंग होता है, जिसका miro.com है, उसके बाद डायग्रामिंग है, ऑनलाइन है, तो ये राउटिंग वाला पार्ट है, उसके बाद कुछ पैरामीटर है, तो इसी प्रकार उसमें एक टोकन होता है, ठीक है, तो ये मान लो कि तुम्हारा टोकन था, तो जैसे ही मेल बॉक्स में जब तुम क्लिक किए, ठीक है, तो वो बैकएंड पे वो राउट हिट हुआ, जैसे ही हिट होगा तो यहां से हम लोग जो बैकएंड होगा उस टोकन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, यहां से टोकन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर से इसको टोकन मिल गया, एक ये टोकन फिर से मिल गया, ठीक है, पहले एक टोकन जनरेट हुआ था जब हम लोग वेरीफाई ईमेल पर क्लिक किए थे, उस समय टोकन जनरेट हुआ था, और जब मेल बॉक्स में क्लिक किए तो वह राउट ब्राउजर में गया, ठीक है, ब्राउजर से जैसे ही वो राउट हिट हुआ बैकएंड पे, तो बैकएंड उस टोकन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अब क्या करेगा, इस दोनों टोकन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, बैकएंड में ऐसा कोड होगा कि जो दोनों कोड को कंपेयर, दोनों टोकन को कंपेयर करेगा, यदि दोनों टोकन सेम होगा देन यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यदि दोनों टोकन डिफरेंट होगा तो ईमेल वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक और चीज क्या होता है, यहाँ पे टोकन एक सिंपल स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, टोकन में कुछ डाटा होता है, उसके बाद वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीक्रेट की देते हैं, और सीक्रेट की मदद से एंड कुछ हैशिंग एल्गोरिदम की मदद से उसको हम लोग किसी और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, नॉर्मली नॉन रीडेबल स्ट्रिंग होता है, ठीक है, तो टोकन एक नॉन रीडेबल स्ट्रिंग के फॉर्म में हो जाता है, उसके बाद जब ब्राउजर में से जो टोकन मिला उस टोकन में क्या करते हैं हम लोग, सीक्रेट की मदद से हम लोग उसको भी हैश कर देते हैं समथिंग में, और उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है, यदि इक्वल होगा तो देन ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अब कोडिंग वाला पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं ईएमवी ईमेल वेरिफिकेशन। ओके, ईमेल वेरिफिकेशन फोल्डर में होते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। न्यू टर्मिनल क्रिएट करता हूँ। अब हम लोग को पैकेज डॉट जेएसएन फाइल क्रिएट करना है, इसके लिए टाइप करेंगे npm
init minus y, तो ऑटोमेटिकली यह सारे डिटेल्स फिल करके और पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए दो चीज, npm install express सर्वर क्रिएट करने के लिए, उसके बाद मेरे को चाहिए नोड मॉड एज ए डेव डिपेंडेंसी। नोड वन क्रिएट हो गया, एक्सप्रेस भी हो गया, अब मेरे को क्या चाहिए एक, ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस, एक फाइल क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करता हूँ एक्सप्रेस को इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद क्या करता हूँ एक ऐप बनाता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। सपोज यहाँ पे कुछ पोर्ट दे देता हूँ कॉन्स्ट सिंपली पोर्ट 3000। ठीक है, उसके बाद इस ऐप को लिसन करता हूँ ऐप डॉट लिसन पोर्ट, उसके बाद एक एरो फंक्शन होगा, इफ समथिंग एरर आएगा तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, बस एरर को चेक करता हूँ, इफ एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, सर्वर फेल टू रन। ओके, यदि एरर नहीं आएगा तो सक्सेसफुली रन करेगा, इसके लिए कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट समथिंग, जो भी पोर्ट का वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, कंट्रोल सेव करता हूँ। अब यहाँ पे एक बार जाके पैकेज डॉट जेसन में हम लोग एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं डेव नोड मॉन इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर लिया, अब इसको रन करके देखता हूँ npm run dev। देखो आ गया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, यानी सर्वर राइट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक API क्रिएट करता हूँ ऐप डॉट गेट, अ सिंपल सा एक API होगा जो कि होम पेज के लिए होगा, बस वहाँ पे लिख दूंगा एक रेस्ट डॉट सेंड, बस एक एस्टिमेट सेंड करता हूँ कि यह होम पेज है। ठीक है, अब क्या करता हूँ जो API क्रिएट कर किया हूँ उसको एक बार हम लोग सर्च कर लेता हूँ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 3000। देखो मेरे को होम पेज आ गया, हो गया होम पेज मेरे को आ गया, यानी एयर आउट वर्क कर रहा है। अब मेरे को एक तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट करना है क्या है कि मेरे को एक जो मेल का सेंडिंग प्रोसेस होता है वो क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे सेंड टोकन डॉट जे एस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मेरे को एक और टर्मिनल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक और टर्मिनल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इंस्टॉल करता है नोड मिलर को, npm इंस्टॉल नोड मिलर। अब इस पैकेज की मदद से हम लोग इजीली किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं नोड जेएस में। ठीक है, अब इसको रिक्वायर कर लेता हूँ नोड मिलर को, कॉन्स्ट नोड मिलर रिक्वायर नोड मिलर।
अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टर क्रिएट करता हूँ, ट्रांसपोर्टर जो कि मेरे को मेल सेंड करने में हेल्प करेगा। ओके, सो नोड मेलर डॉट ट्रांसपोर्टर जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है एज ए पैरामीटर, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मेरा पहला होता है सर्विस जो कि मेरा जीमेल होगा। ओके, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट लेता है जो कि यूजर होगा उसमें, ठीक है, जो ईमेल होगा जिस ईमेल से आप भेजना चाहते हो, और दूसरा होता है पासवर्ड, ठीक। उसके बाद क्या करता हूँ, इस नोड मेलर को किसी वेरिएबल में पुट कर देता हूँ, कॉन्स्ट और ट्रांसपोर्टर वेरिएबल नाम देता हूँ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। उसके बाद क्या ईमेल भेजना चाहते हैं, किसको ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, और कहाँ से भेजना चाहते हैं, मतलब सर्वर एड्रेस पैकेट का जो जो ईमेल होगा वो, या अपना ईमेल डाल सकते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट इन्फो इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें फ्रॉम किस ईमेल एड्रेस से भेजना चाहते हैं ईमेल, मतलब जो बैकएंड का ईमेल एड्रेस होगा, फ्रॉम टू किसको भेजना चाहते हैं, एंड उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो ईमेल वेरिफिकेशन सब्जेक्ट है मेरा ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड टेक्स्ट क्या भेजना चाहते हैं, टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट होगा, हे यहाँ पर लिखते हैं हे यू जस्ट विजिटेड अच्छा यू जस्ट साइन अप फॉर आवर वेबसाइट कोड सर्वर, ओके, प्लीज फॉलो दिस लिंक, और यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, http लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। उसके बाद एक राउटर बनाता हूँ मेलर जिसमें कुछ टोकन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद प्लीज फॉलो दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इन्फो जनरेट कर लिया, उस पर क्या करता हूँ, अब मेल को सेंड करता हूँ, इसके लिए ट्रांसपोर्टर जो क्रिएट किया था अभी, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल फंक्शन का यूज करेंगे, सेंड मेल, उसमें जो इन्फो है वो पास कर देंगे इन्फो। उसके बाद हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, ठीक है, जो कि यदि एरर आएगा तो एरर को बताएगा, एंड कोई रिस्पॉन्स होगा उसको देगा। यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं इफ, मतलब यहाँ पर टाइप करते हैं इफ एरर नहीं होता है तो ईमेल होगा सक्सेसफुली सेंड हो गया। यहाँ पर टाइप करेंगे कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंड सक्सेसफुली, एल्स कंसोल डॉट लॉग फेल टू सेंड ईमेल, ओके, और यहाँ पे जो एरर होगा उसको कंसोल करा दूंगा। तो ये मेरा हो गया ट्रांसपोर्टर, ईमेल भेजने का काम हो गया, ठीक है। अब देखो ईमेल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टोकन भी भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक टोकन भी जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक और लाइब्रेरी यूज करेंगे, npm install json web token, ओके, और इसको यहाँ पे रिक्वायर भी कर लेता हूँ, const jw2 equal to require json web token, ठीक है। अब इसको रिक्वायर कर लिया, अब देखो क्या होगा कि JWT क्या करता है, JWT में हम लोग को एक डेटा पास करना पड़ता है एंड एक सीक्रेट की पास करना पड़ता है, ठीक है,
एंड एक्सपायरी टाइम पास करना पड़ता है कि कितना देर के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, और उसकी मदद से एक टोकन जनरेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टोकन जनरेट करता हूँ, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू जे डब्ल्यू टी डॉट साइन, एक टोकन साइन कर रहा हूँ जिसमें डेटा पास करना पड़ेगा। पहला डेटा ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, उसमें पास कर देता हूँ सपोज मेट्रॉइड, डेटा पास किया मेट्रॉइड एंड उसका सीक्रेट की है सॉल्यूशंस। ओके एंड वहाँ पे हम लोग एक्सपायर्स टाइम एक्सपायरी टाइम पास करते हैं, एक्सपायर्स एक्सपायर इन सपोज 10 मिनट टाइप कर देते हैं, तो 10 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा टोकन क्रिएट हो गया। ठीक, अब क्या करता हूं, बस जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देता हूं, फ्रॉम जो सर्वर का ईमेल एड्रेस है सपोज के लिए डिजिटल पप्पू 101@gmail.com टू imppuprs@gmail.com। आप अपने अनुसार इस ईमेल को एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा ईमेल डाल सकते हो। एंड वन चीज यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ेगा मेरे को, एंड जो टोकन होगा हमेशा वेरिएबल में चलता होगा, इसलिए इसको इस को वेरिएबल बनाना पड़ेगा मेरे को, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा, टोकन वेरिएबल हो गया। अब एक चीज यहाँ पे यूजर जो यहाँ पे डाले थे प्रॉम, वही कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड होगा ना वो ईमेल वेरिफिकेशन वाला नहीं डाल सकते, सॉरी यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो आपका रेगुलर पासवर्ड होता है ईमेल का, वो नहीं डाल सकते, क्योंकि ऐसा करोगे तो क्या होगा, गूगल अपना सिक्योरिटी रीजन से इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपना गूगल अकाउंट जीमेल पे, एंड मैनेज योर अकाउंट बेट सिक्योरिटी एंड स्क्रोल डाउन टू बॉटम आई थिंक, ओके सो जस्ट क्लिक ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन एंड टाइप योर पासवर्ड, जस्ट रेगुलर पासवर्ड। And just now click on app password and select app, this is a mail and device, just for Windows computer generate a 16 letter token and just copy this token and paste as a password for now. Okay, so now email sending part is our done. Now, one thing is remaining like, क्या किया हम लोग कि यहाँ से हम लोग जब यूजर वेरीफाई योर ई मेल पर क्लिक करेगा तो टोकन जनरेट हो जाएगा बैकेंड में, वो यहाँ पे सपोज स्टोर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जब जो ई मेल होगा वो उसके मेल बॉक्स में जाएगा, ठीक है, तो उस पर जब क्लिक करेगा ना तो वो लिंक ओपन होना चाहिए, उसके लिए मेरे को वो लिंक तैयार करना पड़ेगा, अभी अभी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग index.js में जाकर, क्या है राउट मेलर एंड टोकन है, टोकन वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को वो लिंक के लिए, app.get slash क्या था मेलर slash वेरिएबल है, टोकन तो वेरिएबल होगा इसलिए यहाँ पे कॉलम लगाना पड़ेगा, उसके बाद एक एरो फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स
ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, टोकन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉरम, ठीक है, अब यहां से हम लोग टोकन को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे जो पैरामीटर टोकन आया था इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस टोकन को वेरीफाई करना है, इसलिए फिर से मेरे को जैसन पे टोकन को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉन्स्ट जे डब्ल्यू टी रिक्वायर्ड जैसन वेब टोकन, ठीक है, हो गया, रिक्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओ जे डब्ल्यू टी को मेरे को वेरीफाई, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई योर टोकन, जो वेरीफाई योर जीमेल के दौरान जो टोकन क्रिएट किए थे उसको वेरीफाई करेंगे। तो जे डब्ल्यू टी डॉट साइन फंक्शन है, सॉरी जे डब्ल्यू टी डॉट वेरीफाई फंक्शन है, जो कि टोकन लेगा फर्स्ट पैरामीटर, दूसरा होता है मेरा सीक्रेट की, एंड तीसरा होता है एक एरो फंक्शन होगा यहाँ पे, वही मतलब कि आई थिंक एरर होता है एंड डेटा। यदि देखो, यदि एरर नहीं आता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है, कंसोल करा देंगे। यदि एरर आ गया तो उस केस में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ईमेल वेरिफिकेशन फेल, इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, ईमेल वेरिफिकेशन फेल, रीजन आइदर बोल सकते हैं कि आइदर लिंक इज एक्सपायर्ड, मतलब एक्सपायरी टाइम पास हो गया होगा, लिंक आइदर लिंक इज एक्सपायर्ड, लिंक इज एक्सपायर्ड, और लिंकेज ब्रोकन बोल सकता है ना, ये भी हो सकता है। अच्छा, मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो मेरे को टेम्पलेट डिफरेंट यूज करना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है, तो ईमेल वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो ये मेरा हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया पार्ट। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं नोड वन को इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है, नोड वन इंस्टॉल है मेरा, तो यहाँ पे हम लोग इसको रन कर देते हैं, npm run dev, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। अब क्या करता हूँ, सेंड टोकन डॉट जेएस से हम लोग क्या करता हूँ, टोकन भेजता हूँ ईमेल पे, ठीक है, एवरीथिंग एयर डन। तो एक और मैं हम क्या करता हूँ, टर्मिनल क्रिएट करता हूँ सेंड टोकन के लिए, न्यू टर्मिनल, नोड सेंड टोकन डॉट जेएस, जैसे ही इसमें क्लिक करूंगा और नोड मेरा डॉट ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर इज नॉट अ फंक्शन, ओके, सो हियर इज मिस्टेक, वन मिस्टेक इज डॉट ट्रांसपोर्टर इज नॉट अ फंक्शन, एक्चुअली आई हैव टू यूज अ फंक्शन क्रिएट ट्रांसपोर्ट, हियर क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ओके, क्लियर, नोड सेंड टोकन डॉट जेएस, ओ शिट, अगेन आई हैव टू सेव दैट, नोड सेंड टोकन डॉट जेएस,
email sent successfully. So I need to check my email now. Here I have sent I am Pappu KRS. So just wait. Yeah, it's now received. You can see like the timing is 5:46 a.m. now, morning the time 5:46, and just click email verification. Hey, you just sign up for our website course server, please follow this link to verify your email. अब जैसे ही देखो इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो लिंक हुआ ना बैकएंड को हिट करेगा, और जैसे ही बैकएंड को हिट करेगा तो बैकएंड क्या करेगा, यहाँ से जो भी टोकन होगा ना उसके अपनी ओर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, एंड उस टोकन को जो प्रीवियसली जनरेटेड टोकन है उस दोनों को कंपेयर करेगा, यदि दोनों बराबर होगा तो ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं हमारा जो सर्वर रन कर रहा है ना उसको देखो, अभी सर्वर का सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 जस्ट लिखा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे हम लिंक को ओपन करेंगे मेरे जी ईमेल, ओके, जब हम मेल को करेंगे ओपन, देखो अब जैसे ओपन किए व्हाट हैपेंड, एरर, ओके, सो आई थिंक वन थिंग वन मिस्टेक इज अगेन देयर इन लोकल होस्ट, आई हैव टू आल्सो टाइप अ पोर्ट, नॉट वर्क एंड कंट्रोल सेव नाउ, नाउ अगेन सेंड द ईमेल पार्ट, clear the part, node send token dot js, email send successfully, okay, अब email आ गया मेरा, तो फिर से email जाता हूँ, check करता हूँ, second email आया है इसमें, अब देखो यह timing क्या है, 5:49 हो रहा है, and 5:49 timing, अब इस पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से मैं अपना सर्वर को चेक करता हूँ, देखो जो मेरा सर्वर रनिंग है बस इतना ही मैसेज लिखाया हुआ है, ठीक। अब जब मेल पर क्लिक करूँगा तो इसको ओपन करूँगा, लोडिंग हो रहा है, एंड अब मैं सर्वर को देखो, जब सर्वर पर क्लिक किया क्या लिखाया, ईमेल वेरिफिकेशन फेल्ड, आइदर द लिंक इज एक्सपायर्ड और लिंक इज ब्रोकन। वाई, ऐसा क्यों हुआ, रीजन बताता हूँ क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे जो सीक्रेट की नहीं दिए थे, ठीक है, इसलिए सीक्रेट की देना पड़ेगा। तो देखो सेंड टोकन में हम लोग सीक्रेट की क्या सेंड किए थे, सॉल्यूशंस, सीक्रेट की मेरा सॉल्यूशंस था, ठीक, कॉपी सॉल्यूशंस, ठीक है, अब ये क्लियर हो जाएगा, देखो अब ये क्लियर हो गया, एक बार और सेंड करता हूँ, ठीक, क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है, नोड सेंड टोकन डॉट जेएस, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, अब मेल आएगा मेरे को, वेट करते हैं, हाँ मेल आ गया मेरे को, अब फिर से क्लिक करता हूँ, वेट करता हूँ, आ गया था, 5:50 हो रहा है अभी, 551 हो गया, 559 है जस्ट, यहाँ पे क्लिक करूंगा जब, ठीक है लोडिंग दिखा रहा है, अब हम लोग जाते हैं जो मेरा सर्वर है जिस पोर्ट पर हम, अब देखो ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक ये आ गया, तो ये रहा पूरा प्रोसेस। तो क्या क्या देखो यहाँ पे एरर बहुत सारे आए हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिंक में मैंने कुछ भी गलत डालूंगा तो वीडियो वहाँ पे गलत शो कर देगा, उसके बाद यदि सेक्रेट की नहीं डालूंगा तो भी गलत कर देगा, मतलब तो थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो उसको ईमेल वेरिफिकेशन कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है, एक बार हम पूरा कोड बेस को देखते हैं क्या क्या किए हम, एक बार रिवाइज करते हैं जस्ट,
हम लोग क्या किए, जस्ट एक्सप्रेस की मदद से हम लोग ठीक है एक सर्वर क्रिएट किए, एक सबसे पहले सर्वर क्रिएट किए, उसके बाद हम लोग टोकन को वेरीफाई करने के लिए जेएसएम भी टोकन का यूज किए। ठीक, तो वेरीफाई करने के लिए JWT.verify फंक्शन का यूज किए, जहाँ पे जो टोकन जनरेट जो एक्सट्रैक्ट किए हैं हम लोग अपने राउट से उसको डाल दिए, उसके बाद सेक्रेट की डाले हैं, उसके बाद एक एरो फंक्शन है ठीक है जो कि हैंडल करेगा कि यदि एरर होगा तो एरर कंसोल करेगा, यदि सक्सेसफुल होगा तो ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करेगा। आइदर इसको हम लोग या तो ब्राउजर में भी इसको सेंड कर सकते हैं ठीक है, और ब्राउजर में लिख के वहाँ मतलब डेस्कटॉप पर दिखा सकते हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मैं जस्ट यहाँ से कंसोल कर रहा हूँ, आप ब्राउजर में भी कर सकते हो ठीक है। एंड सेंड टोकन ने क्या किया, बस पहला जो था मेरा नोड मिलर का यूज किया ईमेल सेंड करने के लिए। यदि आपको डिटेल में ये वीडियो देखना है कैसे नोड मिलर काम करता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक ऐसा एक वीडियो बनाया हुआ नोड मिलर पे जो कि ईमेल वेरिफिकेशन कैसे वर्क करता है, यू कैन चेक दैट ठीक है। एंड JWT हम लोग यूज किए टोकन जनरेट करने के लिए, ट्रांसपोर्टर बनाया हम लोग ईमेल सेंड करने के लिए, टोकन जनरेट कर लिए और किसको ईमेल भेजना है कहाँ से भेजना है उसके लिए एक इन्फो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एंड ट्रांसपोर्टर में इन्फो को डाल दिए, एंड एक एरो फंक्शन अगेन हैंडल करेगा एरर को एंड सक्सेसफुल को ठीक है। ये रहा पूरा प्रोसेस। सो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन हाउ वाज दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब।